दोस्तों होम लोन से परेशान है ना, क्या ये पॉसिबल है कि 20 साल की होम लोन हम लोग 5 साल में ही रीपेमेंट कर दे? जरूर पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसी चीज को लेकर आज इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि हमको कैलकुलेशन वाला वीडियो दिखाइए। तो आज ये वीडियो के अंदर पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, साथ में आपको ये जो रीपेमेंट है होम लोन का उसको एसआईपी के साथ म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि आप कितना जल्दी अपने होम लोन को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप होम लोन का पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं और 20 साल तक पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे वाला लाइक बटन दबा देना और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब यहां पे जो बात करने वाले हैं वो सारी चीज हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा समझने वाले हैं, तो इसके लिए आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक अच्छे से पूरा चीज समझा पाऊंगा। तो यहां पे आपको मेरी स्क्रीन दिखना चालू हो गई होगी, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मान लीजिए कि आप एक सैलरीड पर्सन है और आप छोटी छोटी चीज छोटे छोटे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा इतना बड़ा स्कोप नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे आते हो, तो आप अपना जो होम लोन है उसमें से एक छोटी प्री पेमेंट जो है उसको करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल दिखा देता हूं कि मैंने कितनी लोन ली है, और मैं यहां पे सिर्फ अपना ही एग्जांपल दिखा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो लोन है आप यहां पे रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने 25 लाख का लोन लिया है, 20 लाख का टेन्योर है, 20 साल तक मैं भरता रहूंगा इस लोन को और 240 इंस्टॉलमेंट यानी कि 240 महीना मुझे भरना है। 9% इंटरेस्ट, जब मैंने ये लोन लिया था 9% इंटरेस्ट था, अभी हालांकि थोड़ा कम हुआ है, फिर बढ़ा है 8.5% के आजूबाजू चल रहा है, और मेरा जो मंथली ईएमआई आता है वो करीबन 22,500 रुपए का आता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट जो भरना है वो 25 लाख रुपए है, यानी कि ये 25 लाख की लोन है, इसको तो मुझे भरना ही भरना है, बट ये 25 लाख को लेने के लिए मुझे बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आप यहां पे देखेंगे तो करीबन 29 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो ये ऐसा अमाउंट है जिसको आप कम कर सकते हैं, इस अमाउंट को कम किया जा सकता है, लेकिन ये 25 लाख जो प्रिंसिपल है उसको कम नहीं कर सकते। तो आज आपको मैं दो मेथड बताऊंगा कि ये जो 29 लाख रुपए हैं कैसे उसको कम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं और रीपेमेंट कर करके कितना फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ ईएमआई कितने कम हो गए, वो सारी चीज आपको बताऊंगा डिटेल में। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब सबसे पहले वो दो ऑप्शन देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया थी कि अगर आप एक छोटे सर्विसमैन है जाओ ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप सिंपल क्या करिए कि आपका जो पूरा साल का जितना ईएमआई है उसमें सिर्फ एक ईएमआई हर साल एडिशनल भर दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप यहां पे देखते हैं ऑप्शन नंबर वन, यहां पे आपको हर साल में एक ईएमआई, मान लीजिए मेरा 22,500 का जो ईएमआई आ रहा है 12 महीने में भरूंगा, उसमें हर साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर दूंगा, तो मुझे हर साल यहां पे कितना एडिशनल पैसा भरना पड़ेगा? सिर्फ 22,500। और उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप देख सकते हैं 240 ईएमआई में से 199 ईएमआई हो जाएंगे और मुझे ओवरऑल 5.5 लाख रुपए का बेनिफिट है। खाली 22,500 रुपए हर साल एडिशनल अगर मैं लोन में भरता हूं, 5.5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा 20 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये सारा चीज जो होता है ना वो इंटरेस्ट से कम होता है, प्रिंसिपल से कम नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, हर साल में 2 ईएमआई भर दूंगा, एक्स्ट्रा ईएमआई भर दूंगा 2, तो मुझे 45,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे हर साल। उससे मुझे कितना फायदा होगा? करीबन 9.5 लाख रुपए मेरे बच जाएंगे, 9.5 लाख रुपए जो मैं इंटरेस्ट में दूंगा वो सारे के सारे पैसे मेरे बच जाएंगे। तो ये दो तो चीज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी और ये आपको बहुत सारे अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन हम अब इसके साथ SIP को इंक्लूड करेंगे यानी कि म्यूचुअल फंड के साथ इसको कंपेयर करेंगे। म्यूचुअल फंड के साथ में आपको एक ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड का फायदा लेकर के अपने ईएमआई यानी कि प्री पेमेंट है उसको बढ़ा के एक अच्छा फायदा ले सकते हैं और अपनी जो होम लोन है उसको बहुत कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फर्स्ट चीज है, आपको थोड़ी सी चीज पे यहां पे ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा नहीं तो आपका ऊपर से चला जाएगा। तो यहां पे जो ओरिजिनल
यानी कि अभी जो मैं कर रहा हूं, अभी जो मैं भर रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई भी प्री पेमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई भी एडिशनल अमाउंट में नहीं दे रहा हूं साल में, तो क्या होगा, क्या केस बनता है? तो यहां पे मुझे 240 महीने भरना ही भरना है, 20 साल तक मुझे लोन भरना है, 25 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल है वो मुझे भरना ही भरना है, और यहां पे इंटरेस्ट मैं कितना दे रहा हूं, 29 लाख रुपए का, मतलब कि 25 लाख रुपए मैं बैंक से ले रहा हूं मेरा घर खरीदने के लिए, और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 29 लाख रुपए, यानी कि टोटल पेमेंट जो मैं दूंगा बैंक को 20 साल के अंदर वो 54 लाख रुपए का दूंगा, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू 20 साल के बाद 54 लाख होनी चाहिए, अगर वो 54 लाख नहीं होती है मतलब कि मैं लॉस में जा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी जो है मुझे लॉस में गिरा देगी 20 साल के बाद में। तो अब आप यहां पे देखिए, दो अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है और एक है इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल को तो आप कम नहीं कर सकते जैसा मैंने बताया, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट को कम कर सकते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट को कैसे कम कर सकते हैं, वो है उसका जो रास्ता है वो प्रिंसिपल से जाता है। तो अगर आप यहाँ पे प्री पेमेंट को बढ़ाएंगे, अपने हर साल के प्री पेमेंट को बढ़ाएंगे, तो आपका जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट होगा वो ओवरऑल इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि आपको जो बैलेंस प्री पेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कम होता जाएगा। यानी कि अगर प्रिंसिपल कम हुआ तो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी कम होगा, और इसके चलते आपका ओवरऑल अमाउंट कम होगा। चलिए ऑप्शन वन दिखाता हूं। तो इसके साथ हम लोग SIP को कैसे कवर करेंगे, तो यहां पे मैं एक बड़ी चीज ले रहा हूं, यानी कि मान लीजिए कि मैं साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा करके 1 लाख रुपए प्री पेमेंट कर दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इतना अमाउंट तो आराम से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो 22,500 जो मैं पर मंथ लोन दे रहा हूं उसके ऊपर भी भाई मेरी सैलरी अच्छी है, मैं हर साल में 1 लाख रुपए निकाल सकता हूं और एडिशनल 1 लाख रुपए इसमें डाल सकता हूं, लेकिन वो 1 लाख में एक साथ नहीं निकाल सकता। मान लीजिए आपका हर महीने आप कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए, और साल के अंत में आपके पास 1 लाख इकट्ठा होते तब वो डाल देते हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे अमाउंट आप जो इकट्ठा कर रहे हैं ना वो आप अपने पास ही रखेंगे या बैंक में रखेंगे, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा, हो सकता है कुछ लोग घर में अंदर ही रखे तो वो अमाउंट डेड है आपके लिए, तो है ना, और 1 साल के बाद जब वो अमाउंट देखेंगे तो आपको उसमें और 8% का लॉस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं चीज दिखा रहा हूं आपको क्या करना है, कि यहां पे मान लीजिए 1 लाख रुपए की अभी सीम लेते हैं कि हर साल में 1 लाख रुपए का प्रीपेमेंट कर दूंगा, तो उसमें आपको मैंने जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से 7,500 रुपए की एक SIP कर देनी है। हर महीने मान लीजिए आप इतने पैसे बचा सकते हैं तो आप 7,500 रुपए की एक SIP कर दीजिए। ये SIP ऐसे फंड में करिए जिसमें रिस्क बहुत कम है। मैंने यहां पे सिर्फ 8% इंटरेस्ट गिना है। आप ये SIP के थ्रू साल में सिर्फ 8% भी अगर इंटरेस्ट कमा लेते हैं तब भी बहुत है। और मान लीजिए आपको इक्विटी के अंदर पैसा नहीं डालना है, रिस्क नहीं लेना है, तो आप क्या करिए, सिंपली इसको कोई लिक्विड फंड के अंदर डाल लीजिए, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस अमाउंट का क्या करिए, SIP करिए, साल के अंत में आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, और ये 1 लाख रुपए का आप यहां पे क्या कर दीजिए, प्री पेमेंट कर दीजिए अपने होम लोन में। फिर से नेक्स्ट ईयर से फिर से कंटिन्यू करिए 7,700। तो इसमें आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि आपका जो SIP है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको जो 8% का जो रिटर्न है वो भी आपको यहां पे मिलेगा, आपका एक प्री पेमेंट का साइकिल भी बन जाएगा, और आपको एक साथ में लमसम अमाउंट इकट्ठा करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप ये चीज करते हैं, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहां पे देखिए आपके बैलेंस अमाउंट कितनी हो जाएगी, 20 साल की लोन आपकी 10 साल हो जाएगी। कितना मजेदार है, इतनी सिंपल सी चीज है, आपका 10 साल का टेन्योर हो जाएगा, और आप प्री पेमेंट कितना कर चुके हैं, 10,74,000 रुपए। आप ये जो हर साल 1 लाख रुपए कर रहे हैं ना, तो 10 साल तक चलेगी तो आपका 10,74,000 रुपए का प्री पेमेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल अभी आपको पेमेंट करना है ओनली 14 लाख, जो आप EMI के थ्रू करेंगे ना वो प्रिंसिपल यहां पे लिखा है, वो 14 लाख करना है, और बाकी का जो प्रिंसिपल है वो आपने प्री पेमेंट कर दिया, तो आपका टोटल प्रिंसिपल भरना तो 25 लाख ही है, लेकिन ऐसे करके भर दिया तो यहां पे आप देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 13 लाख रुपए, 29 लाख रुपए से 13 लाख रुपए। यहां पे सिंपल अगर आप देखेंगे टोटल सेविंग आपका 16 लाख रुपए, आप सीधा सीधा 16 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट बचा लेंगे। कितना छोटा सा चीज है, अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो प्लीज यार ये शुरू कर दीजिए, आपका लोन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी अगर मान लीजिए आप 1-1 लाख रुपए इकट्ठा हो भी रहे हैं ना आपके पास, तो आप क्या कर रहे हैं मुझे पता है, आप पैसे उड़ा रहे होंगे, मौत शौक कर रहे होंगे, या चल रही है जिंदगी कटने दो, लेकिन कितना टाइम यार, अभी जैसे कोविड आया, कोविड ने बहुत चीज सिखा दी हमको, हो सकता है आगे भी कुछ ऐसा है, तो
कोशिश ये करिए कि जितना डेप्ट आपके ऊपर है, यानी कि जितनी उधारी आपके ऊपर है, उसको सबसे पहले खत्म करिए। आपको आगे और भी बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। दूसरा ऑप्शन है कि कोई ऐसी लोग हैं जिसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही है, ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, तो आपको पर मंथ 11,500 रुपए का SIP करनी है। और ये SIP किस में करनी है? आपको लार्ज कैप फंड के अंदर करनी है। आप रिस्क मत लीजिए, स्मॉल कैप में मत जाइए, क्योंकि आपको हर साल पैसे निकालने हैं। तो सिंपली आप लार्ज कैप कोई अच्छा फंड पकड़िए, या लिक्विड फंड पकड़िए, या हाइब्रिड फंड पकड़ लीजिए, और उसके अंदर SIP करिए, जिसमें बहुत रिस्क कम हो, ऐसी ही फंड को आप चूज करिए। 1.5 लाख रुपए अगर आप देखेंगे, 8 साल में आपकी लोन खत्म हो जाएगी, 8 साल के अंदर। और आप प्रीपेमेंट कितना कर चुके हैं? 13 लाख रुपए। प्रिंसिपल आप जो लोन EMI के थ्रू पे करेंगे, 11.5 लाख रुपए। और आपको यहां पे 19 लाख रुपए का सेविंग हो जाएगा, सीधा 19 लाख रुपए का सेविंग। और थर्ड ऑप्शन मेरे पास है, जो 2 लाख रुपए है, कि मान लीजिए आप अगर आप हर साल 2 लाख रुपए का प्रीपेमेंट करते हैं, तो आपको 15,500 का SIP करना है। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए जो कर सकते हैं, जो करने वाले हैं, या जो कर सकते हैं, और जिसको लोन जल्दी खत्म करना है। यार ये मेरा गोल है, मेरे को लोन जल्दी खत्म करना है, 5 साल में 7 साल में मेरा 20 साल का लोन खत्म करना है, उधारी कम करनी है, उधारी खत्म करनी है, ऐसे लोगों के लिए ये। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया यहां पे मिल रहा है कि आपकी जो लोन है वो 7 साल में खत्म हो जाएगी, 84 टेन्योर के अंदर में, और आप यहां पे 21 लाख का सेविंग करेंगे। और आप यहां पे थोड़ा सा ये रिजल्ट देखिए, प्रिंसिपल कम नहीं हुआ है, प्रिंसिपल 25 लाख ही है, लेकिन आपने प्रिंसिपल को डिवाइड कर दिया, आपने कुछ प्रीपेमेंट कर दिया और कुछ पेमेंट जो है वो लो EMI के थ्रू चल रहा है। लेकिन ये दोनों चीज अलग अलग करने से, पैसा तो उतना ही दिया, लेकिन अलग अलग करने से फायदा क्या हुआ? आपका जो इंटरेस्ट है वो 29 लाख से हो गया सिर्फ 8.5 लाख रुपए, और इसकी वजह से आपको 21 लाख का फायदा हो गया, जो सिर्फ बैंक लेके जाएगा, बैंक का इंटरेस्ट में चला जाएगा। अब आपको दूसरी एक चीज दिखाता हूं, कि मान लीजिए कि आपको ये कुछ नहीं करना यार, प्रीपेमेंट नहीं भरना, कुछ नहीं करना, तो आपको विदाउट इंटरेस्ट की होम लोन आपको दिला सकता हूं मैं, बहुत सिंपली। मतलब मैं नहीं दिलाऊंगा, बट आपको एक आइडिया दिलाता हूं कैसे आप विदाउट इंटरेस्ट की होम लोन ले सकते हैं, कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट होने दीजिए। इसको बोलते हैं 16% फॉर्मूला, और ये एक इतना मस्त फॉर्मूला है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कि इस वीडियो में मैं आपको वो कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे आप ये 16% फॉर्मूला को यूज करके विदाउट इंटरेस्ट आप अपनी होम लोन को खत्म कर सकते हैं। और उसमें आप देखिए, यहां पर आप यहां पर इंटरेस्ट भर रहे हैं ना, आप चाहे इतना पेमेंट कर दीजिए प्री पेमेंट 14 लाख का, फिर भी आप इंटरेस्ट भर रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला बताऊंगा उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर देख के जाइएगा। चलिए आगे देखिए, तो ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आप जितना EMI भरते हैं, मान लीजिए मेरा केस में 22,500 रुपए, उसका 16% अमाउंट कितना होता है? करीबन 3,800 रुपए होता है। वो 16% अमाउंट का आपको SIP करना है। अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। दोस्तों आपको ये भी अभी टूल्स बताने वाला हूं, ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना, वो टूल भी दिखाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसकी लोन की अमाउंट अलग अलग हो सकती है, किसी की 40 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की 60 लाख है, तो वो कैसे इस हिसाब से कर सकते हैं, प्रीपेमेंट डाल के कैसे पता चलेगा कि कितना मेरा लोन बचा, कितना टेन्योर बचा, वो भी आपको टूल भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं कि मेरी SIP की जो अमाउंट है वो कितनी है। तो अभी हमको सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूं कि आपका मान लीजिए जो मेरा EMI जो चल रहा है अभी 22,000 समथिंग है, 500 रुपये अगर मान लेते हैं, तो 22,500 16%, इसका 16% कितना हो जाए, 0.16 कर दिए, तो करीबन 3,600-3,700 रुपये आता है। तो अभी ये 3,600-3,700 रुपये जो है, ये मेरा हो जाएगा SIP का वैल्यू। ये मुझे हर महीने डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3,700 रुपये, और 12% इंटरेस्ट, जबकि हालांकि ये 20 साल तक चलने वाली SIP है, इसको आपको 20 साल तक चलाना है, तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। जब लॉन्ग टर्म में आप खेलते हैं, तो आप अपने जो अमाउंट है, यानी कि जो ये SIP है, इसको आप लार्ज कैप में डाल डाल के थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, 50% लार्ज कैप, 50% स्मॉल या मिड कैप के अंदर में, तो आपको यहाँ पे जो 12% है उससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन हम लोग सेफ साइड में खेल के 12% पे चल रहे हैं, तो ये 16% फॉर्मूला के हिसाब से 20 साल तक आपको ये SIP चलानी है 12% के हिसाब से। आप अगर यहाँ देखेंगे, टोटल वैल्यू 12 साल के बाद आपकी हो जाएगी कितनी, 37 लाख रुपीस। तो ये 37 लाख में मैं बेस अमाउंट निकाल देता हूं, जो मैंने यहां पे हर महीने जो 3,700 रुपए जो डाले हैं, उसकी जो वैल्यूएशन हुई है 8,58,88,000 रुपए 20 साल के बाद, तो ये मैं निकाल दूंगा, तो मेरे पास टोटल कितना सेविंग बचा, 28 लाख रुपए। और ये 28 लाख रुपए अगर आप यहां पे देखेंगे, तो
आप यहां पे सिंपल देखिए आपका इंटरेस्ट आप कितना बैंक को पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 29 लाख रुपए, और आपको ये एसआईपी दे देगी 28 लाख रुपए। तो आपका यहां पे इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं पे करना, आपका इंटरेस्ट जो ये सिंपल एक एसआईपी ने निकाल लिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपल 16% आपका जो ईएमआई का वैल्यू है उसका 16% सीधा आप एसआईपी कर दीजिए। 20 साल तक करिए, जब तक आपकी होम लोन चल रही है तब तक करिए, लेकिन 20 साल तक भैया आपको होम लोन तो भरनी पड़ेगी, आपके सर के ऊपर एक बोझा रहेगा। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, रीपेमेंट का स्कीम लेना है जो मैंने अभी बताया, या फिर आपको इस हिसाब से जाना है जिसमें सिंपल कैलकुलेट करके आप 16% अपना होम ईएमआई का एक एसआईपी कर दीजिए और उसको चलने दीजिए। आपका इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट फ्री होम लोन आपको मिल जाएगा, आपको सीधा 25 लाख ही भरना है, बाकी का जो इंटरेस्ट है यही एसआईपी आपको खींच के दे देगी। ये अभी आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको कुछ भी डाउट है मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा खींचूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं और फिर आप बताएंगे यार मेरे को ये सॉल्यूशन नहीं मिला, वो सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया दूसरे लोगों तक भी पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए, ऐसे ही नए वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। अगर होम लोन के ऊपर आपको और भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।